मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर का बटन इसे क्लिक कीजिए और इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, तभी मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। गाइस वेलकम बैक माय चैनल ब्यूटीफुल लाइफ एंड मी रिंकी जायसवाल। और गाइस जो है ना गुड आफ्टरनून। और इस आज के जो है ना दिन है सैटरडे और आज की तारीख है 30 मार्च। हाँ जी आज 30 मार्च है। और आप यही सोच रहे होंगे कि 28 और 29 का मैंने कोई ब्लॉक नहीं आपको दिया, तो गाइस सॉरी क्योंकि मैं जो है ना थोड़ी सी बीमार चल रही थी और क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी पार्टी में लौट के आने के बाद। मतलब कि मेरे 2 दिन से बुखार हो रहा था और काफ़ी मतलब वीकनेस सी फील हो रही थी, तो इसलिए वजह से मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और थोड़ा सा आपको पता है मेरे घर में थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, उसी टेंशन की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जैसा कि मैंने पहले के ब्लॉग में बताया है कि मेरे घर में थोड़ी सी टेंशन चल रही है, तो इसकी वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब चल रही थी और मेरा बुखार आ गया था और इसी वजह से मैं जो है ना कोई ब्लॉग नहीं दे पाई। तो गाइज 2 दिन मेरे कोई ब्लॉग नहीं आया और आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने क्या यूट्यूब चैनल बंद कर दिया है क्या, तो नहीं गाइज, क्योंकि मैं बीमार चल रही थी इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और गाइज अब जबकि आज मुझे थोड़ा सा बेटर फील हो रहा था तो मैंने सोचा लाइए आज तो कोई ब्लॉग बना ही दे, क्योंकि अगर कोई चीज़ चालू किया है तो उसको ऐसे ही बंद नहीं कर सकते, उसका काम भी करना ज़रूरी होता है और हेल्थ भी ज़रूरी होता है। तो हेल्थ जब ख़राब होती है तो कोई भी चीज़ करने का मन नहीं करता, मतलब कि ब्लॉग वगैरह बनाने का या कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो आज मैं 2 दिन से बेड पे ही थी, बिल्कुल आराम कर रही थी, रेस्ट कर रही थी, क्योंकि मुझे बुखार था और मुझे काफ़ी वीकनेस सी फील हो रही थी। जैसे कि मैंने डॉक्टर को बताया था, उन्होंने मुझे दवा वगैरह भी दिया है, लेकिन फिर भी जो है ना मेरा काफ़ी वीकनेस से फील हो रही थी, मुझे फीवर आ गया था और थोड़ा सा टेंशन भी था इसकी वजह से। तो गाइस जो है ना आज मैं सोची कि आज कोई ब्लॉग बना ही लेते हैं, तो मैंने इसलिए आज से ब्लॉग बनाना चालू किया है। तो गाइस जो है ना अभी तो मेरे घर का सारा काम हो चुका है, मतलब झाड़ू लगाना इंडिया में है तो कहने में क्या डर लगता है कि मतलब इंग्लिश में मॉपिंग और डस्टिंग और स्वीपिंग करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, हम इंडियन हैं तो हिंदी भाषा भी बोल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैंने अभी झाड़ू लगा लिया है, पोछा लगा लिया, बर्तन मांज लिया और मेरा मतलब कि लंच मतलब ब्रेकफास्ट में मैंने सब्जी बनाई थी वही मैं लंच में यूज़ करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए हैं अपने किसी काम से तो वो शॉप में नहीं है तो वो लंच नहीं करेंगे, तो वो लौट के आएंगे 4 बजे के करीब में, तो 4 बजे कुछ भी खा लेंगे बाहर, इसलिए मैंने लंच नहीं बनाया है। तो जो सब्ज़ी मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था वही मैं लंच में यूज़ कर लूँगी, खा लूँगी मतलब। तो मैं चलती हूँ अपने लिए 1 रोटी बनाने, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, तो मैं 1 रोटी तो बना लेती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैं दवा खाती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे अपने लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं फटाफट अपने लिए 1 रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं लंच कर लेती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। आज का ब्लॉग में मैं आपको क्या क्या दिखाती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता, पर चलिए गाइस मैंने जैसे बताया कि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक है इस समय, और जब तबीयत ख़राब होती है तो कोई भी ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ अपने अंदर से उत्पन्न होती है मतलब अपनी इच्छा करती है कि कोई चीज़ करूँ तब तो वो ब्लॉग भी अच्छा जाता है और उसको लोग देखना भी पसंद करते हैं। जब आपकी खुद की इच्छा नहीं कर रही है कुछ भी करने का तो मतलब कुछ भी नहीं, ब्लॉग भी नहीं बन पाता। अगर एक नॉर्मली खाना बनाओ तो वो भी अच्छा नहीं बनता है, जाहिर सी बात है हम हाउसवाइफ को पता है कि अगर हमारी लोग की तबीयत ख़राब भी हो अगर मन करता है तो फिर बन जाता है, अगर मन ही नहीं कर रहा कोई काम करने का तो मन फिर वो कुछ चीज़ बन नहीं सकती अच्छी। तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की 2 दिन, और कुछ लोग तो यही सोच रहे होंगे मैंने ब्लॉगिंग करना छोड़ दिया, तो ये उनकी गलत फहमी है। ब्लॉग जब मैंने बनाना चालू किया तो मैं ब्लॉगिंग तो करूँगी, पर जैसे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं की है। तो अब जाकर मैं जा रही हूँ अपने लिए लंच बनाने, मतलब कि लंच तो बना हुआ है, जैसे मैंने बताया कि सब्ज़ी मेरी बनी है तो मुझे रोटी बनानी है,
तो मैं फटाफट अपना लंच कर। तो गाइज़ यहाँ मैं लंच करने जा रही हूँ, और लंच करने के लिए मैंने बताया था कि ब्रेकफास्ट में मैंने सब्ज़ी बनाई थी कद्दू की, तो वही सब्ज़ी मैं और रोटी खाऊंगी। और मेरी जैसे पता है कि आपको कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं खाऊंगी। एक रोटी मैंने बनाया है, तो कद्दू की सब्ज़ी, रोटी और बड़ा मैं खाऊंगी, तो वही मैं अब प्लेट में निकालूंगी और खाने के लिए जाऊंगी। और लंच में बस यही कुछ खाना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का लंच नहीं जाना है, वो बाहर गए हुए हैं, तो इसलिए मुझे ही को लंच। तो गैस मेरा लंच बन चुका है, मतलब कि मैंने बताया था कि सब्जी रखी हुई है ब्रेकफास्ट की और रोटी बनाएंगे एक, वो भी मैंने बना लिया है। तो गैस अब मैं लंच करूँगी, और लंच करने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि दवा खाऊँगी, तो दवा खाने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, फिर मैं आपसे जो है ना शाम को ही मिलूँगी, या जो है ना क्योंकि अभी मैं सोने जा रही हूँ दवा खाने के बाद, तो मैं सो जाऊँगी, सोने के बाद मैं आपको शाम को ही मिलूँगी। तो मैं जल्दी से फटाफट अपना लंच कर लेती हूँ, और लंच करने के बाद मैं आपको शाम को मिलती हूँ। और शाम को मुझे आपको कुछ दिखाना है, मतलब कि होली में जो मैं लेकर आई थी वो मुझे आपको दिखाना है, पर मैं दिखा नहीं पाई थी क्योंकि सारी चीज़ें मैं पहनी हुई थी, तो मैंने जो है ना अभी कल परसों ही निकाली है, क्योंकि मुझे बड़ी उलझन हो रही थी। जब तबीयत ख़राब होती है तो बहुत उलझन होती है, मतलब कुछ भी पहनने ओढ़ने का नहीं मन करता है, तो मैंने निकाल के रखा है। तो मैं लंच कर लेती हूँ, फिर मैं शाम को। तो गाइस शाम हो गई है, तो मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही हूँ, तो मैंने एक साइड दूध चढ़ाया और एक साइड चाय चढ़ा दी है, और मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, तो मैंने छोटी सी चाय पत्ती को फाड़ के रखा। तो जैसे मैंने बताया कि मेरी चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी, और पैकेट नया रखा हुआ था, पर तबीयत ख़राब होने की वजह से या आलस की वजह से मैंने चाय पत्ती को फाड़ के अपने जो है ना बॉक्स में नहीं रखा था चाय पत्ती के, तो मैंने चाय पत्ती फाड़ के रख दिया है, और मैंने चाय पत्ती और शक्कर डाल दी है। और जब तक चाय बनता है तब तक मैंने सोचा कुछ मीठा खा लेते हैं, क्योंकि रसगुल्ला बना रखा है वो ख़राब हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने रसगुल्ला निकाला है और पानी निकाला, मैं वो खाऊँ। तो गाइस जैसा कि पता है कि होली अभी निकली है, तो घर में बहुत सारे पापड़ बन गए थे होली में, तो मैंने यहाँ पे चाय के साथ पापड़ को भूंजा है, और चाय और पापड़ मैं नाश्ते में लूँगी। इवनिंग, क्योंकि इस समय बज रहा है 8, और 8 बजे जो है ना मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, क्योंकि डिनर बनाने का टाइम हो गया, और चाय वगैरह मैंने पी लिया है, जैसा कि आपने देखा है कि मैंने अभी चाय पिया है। तो जो है ना फ्रेंड मैं जा रही हूँ अभी डिनर बनाने, और डिनर में जो है ना मैं पहले से भी दिखा चुकी हूँ कई बार, क्योंकि बथुए की ही दाल बननी है, मेरे हस्बैंड बथुआ ला के रखे हैं, तो उसकी दाल बननी है। तो गाइस मैं बथुए की दाल की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है 2 बार, तो गाइस जो है ना आज मैं रेसिपी शेयर नहीं करूँगी, इसलिए मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं बनाने जा रही हूँ, तो आप देख लीजिए मैं उसमें क्या क्या डालती हूँ। और कहते हैं रिपीट रेसिपी नहीं डाल सकते, तो मेरे डेली ब्लॉग में जो मैं बनाऊंगी, जो मैं बनाती हूँ वो मैं दिखाती हूँ, तो इसलिए मैं रेसिपी बनाते हुए तो दिखाऊंगी, लेकिन रेसिपी शेयर नहीं करूंगी कि रेसिपी मैंने पहले डाला है, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, मेरे चैनल में पड़ा हुआ है बथुए की रेसिपी पूरी प्रॉपर तरीके से। तो गाइस मैं चलती हूँ अपनी जो है ना डिनर बनाती हूँ, और मैं मिलती हूँ डिनर बनाने के बाद। तो गाइस चलते हैं। तो गाइस यहाँ मैं बथुए की दाल बना रही हूँ, तो मैंने कुकर में जो है ना ऑयल डाल दिया है, मैं सरसों के ऑयल में खाना बनाती हूँ, और मैंने लहसुन और हींग को डाला है, और यहाँ पे मैं मिर्च को काट रही हूँ। तो मैं लहसुन और हींग को जब तक लहसुन ब्राउन कलर का हो जाता है तब तक मैं मिर्च को अच्छी तरीके से महीन महीन काट लूँगी, और उसके बाद लहसुन के ब्राउन होने के बाद मैं मिर्च डाल दूँगी, और उसके बाद मैं बथुआ डाल दूँगी, और बथुए को तब तक मैं पकाऊँगी जब तक वो उसका पानी ख़त्म नहीं हो जाता, और इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी, क्योंकि बथुए में नमक डालने से पानी छोड़ता है। अब मैं 5 मिनट के लिए बथुए के पानी को ख़त्म करूँगी। गाइस यहाँ बथुए की जो है ना पानी ख़त्म हो गया है, तो मैं अब कलछुल से अच्छी तरीके से मल लूँगी, उसके बाद मैं दाल मिला दूँगी, और उसके बाद मैं उसके अंदर पानी डालूँगी। गाइस दाल मिलाने के बाद अब इसमें मैं पानी मिलाऊंगी, और पानी मिलाने के बाद मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी, और ढक्कन लगाने के बाद 2-3 सीटी लूंगी जब तक दाल अच्छी तरीके से पक ना जाए। Hey guys, अभी से है ना मेरी दाल बन रही है, मतलब दाल बन गई है ऑलरेडी, मतलब कि बना ली है ऑलरेडी, अपने आप कहाँ से बन जाएगी। तो गाइस दाल बन गई है, और मैंने जैसे कि कहा था कि होली में मैंने कुछ सामान ख़रीदा है जो मुझे आपको दिखाना है, कि जैसे मैं आपको सब चीज़ें शेयर करती हूँ कि क्या मैंने लाई हूँ क्या चीज़ मैंने परचेज किया है, मतलब बाय किया है। तो गाइस मैं जो है ना मेरी जो है ना जो कान की इयररिंग थी, तो वो थोड़ा सा खुल जाती थी कान से,
तो वो खुल के गिर जाती थी कई बार। तो जो है ना, जैसे कि मेरे कभी सोने की चीज़ें खोई नहीं है, लेकिन वो मिल जाती थी। तो गाइस जो है ना, मैंने ये जो है ना बाली परचेज की है, ये गोल्ड की बाली है, तो इस टाइप की है दोनों, आप देख सकते हो। तो इस टाइप की कुछ है डिजाइन, अगर देख रहा है तो ये मैंने बाय की थी दो, मतलब एक ईयर एक ईयर। तो गाइस क्योंकि जो है ना मेरी कान की वाली गिर जाती थी, इसलिए मुझे परचेज करना था। और मैंने जो है ना अपने लिए जो है ना पायल खरीदा था चांदी का, तो चांदी की पायल मुझे लेनी थी। तो ये देख सकते हैं चांदी की पायल जो मैंने परचेज की। मुझे थोड़ी सी बजने वाली पायल बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए ये पायल है जो मैंने परचेज की है। तो ये इस टाइप की है, इस टाइप की बजने वाली, क्योंकि मुझे बजने वाली पायल बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जब छमछम है, जो बड़ी बड़ी बिछियाँ आजकल चली हैं, अब ये सोच रहे होगे इतनी बड़ी बड़ी बिछियाँ, तो हाँ गाइस आजकल के फैशन में चली हुई हैं बड़ी बड़ी बिछियाँ, सिर्फ एक एक पैर ही पहना जाता है दोनों पैर में। तो ये देखिए सुंदर है ना, कमेंट्स करके बताइए सुंदर है कि नहीं है। तो ये मैंने लिया था क्योंकि मेरे जैसे पैर की उंगलियाँ बहुत छोटी हैं, और मैं कभी कोई बड़ी बिछिया नहीं पहन पाती हूँ, वो नाखून मतलब जो पैरों की नेल्स होती है उसको घिसती है, तो इसलिए मैं कभी बड़ी बिछिया नहीं पहनती हूँ। पर मेरी बहुत शौक़ लगी थी क्योंकि बहुत लोगों को मैंने पहनते हुए देखा, तो मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। और ये पहनने में बहुत कंफर्टेबल है, मतलब नाखून के जो नेल्स होता है पैर के उसके ऊपर ही रहता है और चुभता भी नहीं है, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं बहुत सारी बिछिया पहनी हूँ, मेरे पीछे बहुत चुभती है, मैं मतलब छोटी छोटी बिछिया पहनती हूँ, कि कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जो मैरिड वुमन होती है उनको बिछिया पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं जो है ना सिर्फ दबाने वाली बिछिया पहनती हूँ, क्योंकि मेरे पिछिया से पैर कट जाता है, पैर की उंगलियाँ जो कट जाती हैं, तो उसकी वजह से मैं नहीं पहन पाती। पर मुझे बड़ा शौक लगा था बढ़िया बिछिया पहनने की, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बड़ी बिछिया पहनते हुए देखा, तो मैंने सोचा मैं भी ले लेती हूँ, परचेज कर लेती हूँ। तो मैंने ये बिछिया होली में ली थी, और ये मैंने इयर रिंग लिया था, पायल लिया था, एक बिछिया का पेयर और लिया था जो मैंने अभी पैरों में पहना हुआ है, तो उसको मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी। तो गाइस जो है ना, यही मैंने परचेज किया था आपकी होली में। और साड़ी तो मैंने दिखा दी है जो मैं पहनी थी, ग्रीन कलर की साड़ी, पैरट ग्रीन कलर की। तो गाइस मैंने यही सब परचेज किया था होली में और पहना था। और मुझे जो है ना पैसे को इस जगह पे इन्वेस्ट करना पसंद है जो मतलब कि जो बाद में मुझे वापसी पैसा दे सके। कपड़े में वेस्ट करती हूँ पैसा, पर उतना ही वेस्ट करती हूँ जिससे जो है ना मतलब कि ज़रूरी हो। साड़ी जैसे मेरे क्या, हम मैं यूपी में रहती हूँ, तो आज भी मैरिज में साड़ी वगैरह पहनी जाती है, साड़ी है, लहंगा है, ससुराल पक्ष में तो साड़ियाँ चलती हैं, तो मैं वहाँ साड़ी पहनती हूँ, तो साड़ी भी मैं लेती हूँ, तो सूट भी मैं घर में पहनती हूँ, तो सूट लेती हूँ, प्लाजो लेती हूँ, टी शर्ट लेती हूँ, लोअर लेती हूँ, ये सब पहनती हूँ, तो वो लेती रहती हूँ। तो वो घर की यूज़ होती है, क्योंकि कोई भी कपड़ा दो महीने, चार महीने, पाँच महीने या छः महीने के बाद वो फट जाता है या पुराना हो जाता है, रफ़ी हो जाता है, तो उसको बदलना पड़ता है। तो गाइस इसीलिए मैं बाकी जब अगर मैं बड़ा अमाउंट लगाती हूँ तो वो मैं कपड़े में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कपड़े का क्या है, वो एक साल दो साल के बाद उसका फैशन बदल जाता है, उसका लुक बदल जाता है, उसका ट्रेडिशन बदल जाता है। तो मैं जो है ना कपड़े में इतना पैसा वेस्ट नहीं करती हूँ, सिर्फ पहनने के लिए, मतलब कि अगर ज़रूरी है वो कपड़ा लेना, मतलब क्लॉथ को लेना, तो मैं वो उसमें परचेज करती हूँ। नहीं तो मैं हमेशा चांदी या सोने की चीज़ों में ही परचेज करती हूँ, मतलब उसमें पैसे लगाती हूँ। तो जैसे कि मैंने ये कान की वाली ली थी, उसमें जो है ना मैंने परचेज किया था, तो गाइस ये मेरी कान की वाली 12,000 की पड़ी थी दोनों पेयर, तो ये इसमें मैंने परचेज किया था। तो गाइस यही सब मैंने लिया था। और चलते हैं अब रोटी बना लेते हैं, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो रहा है, 9:15 हो रहा है, और मैं इस कान को पहन लेती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सारी चीज़ें निकाल दी थी, मुझे उलझन हो रही थी, तो अब मैं इसको पहन लेती हूँ। कि मैंने जब से निकाला हुआ, जब मैं पार्टी में गई थी और इयररिंग पहनी थी तब मैंने निकाल दिया, तो उसके बाद मैंने पहना नहीं। तो गाइस मैं दाल को जो है ना सिंपल तरीके से छौंकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे चिमचे में जो है ना घी लिया है, उसके बाद इसमें लहसुन, हींग और मिर्च डालूँगी, और इससे मैं छौंका लगाऊँगी।
तो गाइस यहाँ पे मैं जो है ना रोटी बना रही हूँ क्योंकि दाल में छौंका लगा दिया है और मेरे हस्बैंड मुझसे कुछ बात कर रहे थे इसलिए वहाँ खड़े हुए हैं। तो गाइस जो है ना मैं यहाँ पे रोटी सेक लूँगी और अपने हस्बैंड का जो है ना डिनर निकाल दूँगी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं एक एक रोटी सेक के उन्हें खिलाती हूँ, तो इसलिए क्योंकि मुझे गर्म गर्म रोटी खिलाना ही पसंद है, इसलिए मैं एक एक रोटी सेक के उन्हें खिलाती हूँ और उनका डिनर निकाल दूँगी क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे सिर्फ दाल और रोटी ही खानी है। तो मैं यहाँ पर दाल और रोटी निकाल दूंगी और जैसा कि मैंने बताया था उन्होंने शाम को ही लंच किया है इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे। तो गाइस अब ये हम लोग का जो है डिनर हो चुका है और जैसा कि मैंने बताया था कि डिनर पे मैंने पत्ते की दाल बनाई है और रोटी बनाई थी, चावल इन्हें खाने का मन नहीं था क्योंकि इन्होंने 4 बजे ही लंच किया तो इनका पेट थोड़ा भरा भरा सा लग रहा था। तो इन्होंने कहा कि चावल बनाओ मत, मैं दाल रोटी ही खाऊँगा, जो भी है वही मैं खा लूँगा। तो इन दिनों ने दाल रोटी और सब्जी बड़ा खाया है। तो गाइस यही हमारा था आज का डिनर और जैसा कि मैंने जो है ना बताया था कि मैंने आपको ज्वेलरी दिखाई है, प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा उसका डिज़ाइन, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब मैं जो है ना दवा खाऊंगी, उसके बाद मैं सोने जाऊंगी और सोने से पहले मुझे वीडियो भी एडिट करना है और 2 दिन से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल रही थी इसके लिए सॉरी। और जो है ना आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर नए व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो फिर से क्लिक मत कर दीजिएगा नहीं अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और मेरे ब्लॉग पर जो है ना लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।